पितृदेव श्री श्री बरदास श्री श्री दादा और पुण्य श्री श्री बबीदा के अतुल चरणों में मेरा प्राण प्रणाम निवेदन करते हुए इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी कर्मीगण और सभी माँ को मेरा आनंदित जय गुरु आभार प्रकट करती हूँ कि हमको द्विशब्द दयाल के बारे में जो बोलने के लिए मेरी ममता माँ जो बोली इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कीर्तिदा जो सत्संग का गंगा ठाकुर जी के चरणों में बहा रहे हैं इसके लिए कीर्तिदा गांगुली परिवार को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। जय गुरु। मेरा भाषा में कोई त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा माँ। सभी माँ को जय गुरु। शुभ सावन परिक्रमा का अनेक शुभेच्छन। ये जो सावन महीना हमारे जीवन में एक प्रेरणा लाते हैं, इस सावन महीने में हम जो मातृ बोध है, जो माँ का कर्तव्य है, कैसे एक माँ को चलना चाहिए, कैसे एक माँ को बोलना चाहिए, क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, एक माँ का इन्हीं चीज के लिए जगत जननी शिशि वर्मा के जीवन में बहुत सारे घटनाएं हैं जो हमें अनुप्राणित करते हैं। ठाकुर जी बोलते थे कि वर्मा का चरित्र ऐसा है कि ठाकुर जी को इच्छा हुआ था कि स्वामी भक्ति कैसे करना है, तो ठाकुर जी बोले थे तुम साध्वी सती स्वामी परायण हो, तुमको फिर मैं क्या शिक्षा दूं, बल्कि मैं ही तुम्हारे निकट तुम्हारे स्वामी भक्ति को शिक्षा पाने के उपयुक्त हूँ। मतलब हमारे वर्मा वो तो जितना भी हम लोग कहा जाए वर्मा के बारे में ठाकुर जी के बारे में तो कम ही रह जाएगा, कम ही हो जाएगा, तो उतना तो हम लोग जानते भी नहीं है। तो ठाकुर जी बोले थे संभव हो तो तुम ही जहां तक हो सके ले चलो। और जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता मानकर स्वामी सेवा देव सेवा समझकर स्वामी के सुख में सुखिनी स्वामी के दुख में दुखिनी होती है, जो स्वामी के बिना और कुछ भी नहीं जानती, ऐसा देवी के निकट मुझे बहुत कुछ सीखना है। ऐसी थी हमारी वर्मा कि स्वामी को ठाकुर जी को मतलब कोई चीज का ऐसा दुख नहीं होना चाहिए, कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी को सुख में सुखिनी दुख में दुखिनी होती थी। एक बार ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए थे तो 42 दिन तक ठाकुर जी अन्न ग्रहण नहीं किए, तो हमारी शिशी वर्मा ठाकुर जी के सामने चौकी पर बैठी रह गई और माँ भी कुछ अन्न ग्रहण नहीं की। वरदा के बहुत कहने पर एक गिलास मौसमी के जूस लेती थी माँ। और ऐसी साध्वी हमारे ठाकुर जी का जीवन संगिनी और हम लोग को भी ऐसा मिला मौका कि दयाल का चरण में हम लोग गए हैं और दयाल का दीक्षा मिला है और माँ का भी एक एक बानी ऐसा ऐसा ठाकुर जी का एक एक बानी है माँ के प्रति जो हम लोग को सुन करके हम लोग को जीवन धन धन हो रहा है। ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे आप लोगों के ठाकुर यदि नारी देह धारण करके जन्म लेते तो उनका जो रूप है सो वर्मा है। जो हम ठाकुर जी कह रहे हैं जो हम यदि माँ रूप में नारी रूप में धारण करते ये शरीर को तो वर्मा का रूप ही मेरा ठाकुर जी का रूप वर्मा का रूप होता। बड़ी बहू अगर स्वस्थ रहती है, ठाकुर जी फिर बोलते हैं कि यदि वर्मा स्वस्थ रहती है बड़ी बहू स्वस्थ रहती तो शायद मैं अति शीघ्र स्वस्थ हो जाता। तो हमारी ठाकुर हमारी वर्मा ऐसी थी कि जो ठाकुर जी मतलब जितना भी काम रहे कुछ कोई उनको परवाह नहीं था, सारा काम बिना बोले माँ को माँ बोलती कम थी और काम ज्यादा, सारा काम में इतना जो वर्मा जो आने लगी थी शादी के बाद तो उनका नानी जो सिखाई थी वो एक एक बात को अमल करके वर्मा को सिखाई थी, कभी भी ना नहीं बोलना, नहीं करने आता है नहीं करेंगे ऐसा बात कभी नहीं बोलना, तो माँ एक एक जीवन में उतार ली थी और कभी भी ऐसा कुछ नहीं मतलब मुंह से निकालती थी कि हमसे ये काम नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी भी
नहीं, उसका मुंह, उनके मुंह से निकलता था ऐसा वाणी। तो हमारी बड़ माँ ऐसी थी। हम लोग कहते हैं ना, जो मतलब दयाल के श्री चरण में हम लोग जो गए हैं, तो हम लोग को जो दीक्षा मिला है, इससे हम लोग बड़ माँ का चरित्र से, जो हम लोग का नारी को जो अष्टगुण है, वो चरित्र से हम लोग का देखने को मिल रहा है कि वर्मा का चरित्र में सारा गुण जितना है हम लोग को, नारी को वैशिष्ट, निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहाय, संरक्षण और सुप्रजनन, ये आठों गुण हमारी वर्मा में अपना चरित्र में उतारी थी। तभी तो वर्मा हमारी वरदा जैसा संतान को, सुसंतान को जन्म दी माता। ऐसे हमारी जगजननी कल्याणी हमारी शिष्य वर्मा थी। नारी को तो शिक्षा, उच्च शिक्षा का एकदम जरूरी है। लेकिन ठाकुर जी भी बोले थे कि एक बार कि पंचानन दास से, कि नारी को शिक्षा देना अत्यंत जरूरी है। एक बार बोले पंचानन दास को कोशिश करने के लिए। तो एक बार फिर 2 दिन के बाद, जब ठाकुर जी बोले थे, उसके 2 दिन के बाद ठाकुर जी पंचानन दास से पूछे कि क्या हुआ कोई, तो ठाकुर जी जो पंचानंदा बोले कि कोई माँ मतलब ऐसे शिक्षा लेने के लिए उतना अथी नहीं हो रहा है, कह करके बोले ठाकुर पंचानंदा। तो ठाकुर जी बोले कि एक एक करके, जैसे किचन में मान लो को किचन में सामान रहता है, उससे शुरू करने के लिए, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, जैसे मसाला का बर्तन है, नमक का बर्तन है, कोई भी चीज का, सब डब्बा सब में हाँ नंबर सिखाने के लिए, उस तरह शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी बोले थे। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे थे। ठाकुर जी का वाणी है ना, एक जो सुने अमर कथा आमी सुनी तार कथा, यानी जो मेरी बात सुनता है मैं उसकी बात सुनता हूँ, यह सत्य है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ यजन याजन इष्टवृत्ति को लेकर चलेगा, उसकी सहायता ठाकुर जी स्वयं करते हैं। हम लोग जानते नहीं है, सोचते नहीं है। मेन बात, हम लोग ठाकुर जी का जो चरित्र, जो हम लोग को चरित्र में उतारने के लिए वर्मा का जो एक एक बात है, तो हम लोग नहीं उतार पाते हैं, नहीं उतार रहे हैं, इसीलिए हम लोग को दुख धावता है। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। ठाकुर जी जो दिए हैं सत्यानुसरण में, जो संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। चाह की प्राप्ति ही है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। ठीक बात सही है कि हम लोग यदि संकोच करते हैं कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, ऐसे मन में बात 10 तरह का आता है, इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, दुर्बलता ही आती है हमारे मन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संकोच करना ही नहीं चाहिए हम लोग को, मन में कोई दुविधा रखना ही नहीं चाहिए। हम लोग दीक्षा लेते हैं और इष्टवृत्ति जो करते हैं, तो कोई बहुत बहुत बात सुनने को आता है, बहुत मास मान लो बोलती है कि हम दीक्षा ले लिए लेकिन हम इष्टवृत्ति नहीं करते हैं। तो दीक्षा तो बचा ही नहीं, तो हम लोग को दीक्षा लेकर के क्या किए। इष्टवृत्ति से दीक्षा बचती, शरीर बचता कर्म से, सदाचार से समाज बचता, जीवन बचता धर्म से। यदि हम लोग इष्टवृत्ति नहीं किए तो दीक्षा तो रहा नहीं। शरीर, हम लोग शरीर सोचते हैं कि हम लोग खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, आराम से रहेंगे, तो हम लोग को अभी, हम लोग को सत्संग पूरा विश्व में तहलका मचा हुआ है। दिन भर यहाँ से वहां से सत्संग हम लोग सुनने को मिलता है। हम लोग ठाकुर परिवार, ठाकुर जी का जो बात, एक एक बात हम लोग को अभी सुनने को मिलता है ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से। हम लोग का दिन भर मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इतना पूरा विश्व में जो ये कोरोना का तहलका मचा हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसमें दिमाग नहीं लगता है। सारे दिन भर हम लोग को बीतता है सत्संग में ही। जो काम रहता है, काम भी करते हैं, सुनते रहते हैं सत्संग सब, इतना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। और हम लोग सदाचार का शरीर, तो हम लोग को कर्म नहीं करेंगे तो बचेगा कहाँ से। सर्व शरीर बचाने के लिए तो कर्म करना ही होगा, बिना कर्म के तो होगा नहीं। और सदाचार से समाज समाज बचता। हम लोग सदाचारी, अभी हम लोग स्वस्तनी जो है धारण किए हैं, इसका तो मेंटेन है, उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। और अभी का ये महामारी में हम लोग को मेन जरूरी है सदाचार का, तभी हम लोग का जीवन बच पाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ऐसे जो ठीक ठीक स्मृति करता है, नाम ध्यान करता है, उसको
डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मंगल के गोद में हैं। मन में विश्वास होना चाहिए। हम लोग सभी का जीवन में परम कर्तव्य है इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट व आदर्श व गुरु जीवन में लेके चलने के से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारा उन्नति निश्चित है। गुरु का शरणापन हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। ठाकुर जी जो बोले हैं, हमारा उन्नयन के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा। इष्ट प्रतिष्ठा ही इस हम लोग को जो जो भी जहां भी हम लोग है, यदि इष्ट प्रतिष्ठा में लगे हैं तो हम लोग को अपने उन्नयन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इष्ट प्रतिष्ठा ही सकल समस्या का समाधान है। हम लोग को जीवन में गुरु ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पैसा बिना नहीं हाट, गुरु बिना नहीं बाट। जैसे पैसा बिना हम मार्केट से सामान खरीद नहीं पाएंगे, वैसे गुरु बिना हम लोग को जीवन में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्री ठाकुर धराधाम में आए हैं सभी को रक्षा करने के लिए। राम आए थे रावण को वध करने के लिए, कृष्ण आए थे कंस को वध करने के लिए, और श्री ठाकुर जी आए हैं प्रेम के अस्त्र लेकर के हम सबको प्रेम सिखाने के लिए, सभी को अपने के अपनाने के लिए। प्रेम के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते थे। एक एक मनुष्य पर ठाकुर जी, एक एक मनुष्य से ठाकुर जी प्रेम करते थे, एक एक पौधा से प्रेम करते थे, एक एक चिड़िया से प्रेम करते थे। इतना प्रेमी थे हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में सब कुछ है हमारे। ठाकुर को सुकेंद्रित करके चलने से, नाम करने से मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। वैसे ही हम माँ अपना पति को आत्म सुखी नहीं इष्ट मुखी बनाए, इसे हमारे कल्याण होगा। और हम लोग जो भी सोचते हैं, जितना भी जो भी करते हैं, हमारे बड़मा का जो चलन था, चरित्र था, वो हम लोग देखे तो हमारे हम लोग जो माँ का माँ मेरे टाइम शेष हो गया क्या? ममता माँ जय गुरु। बस होने वाला है, आप अपना वाइंड अप करिए बस। जी जी हाँ, 10 मिनट होने वाला है। जी जी तो माँ मैं इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगी। हमसे जो गलती हुआ होगा, भाषा में भी कोई तो त्रुटि हुआ तो क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु। सभी माँ को मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर बोली, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग सब परम पिता के संतान है और गलती होने की संभावना भी नहीं है, गलती होगी नहीं। ठाकुर जी ने एक बार ठाकुर जी ने कहा था, बड़ी माँ का एक ही उद्देश्य है। ठाकुर कहती थी, तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य है। तुम्हारी विधि मेरी विधि को स्पर्श करे, तो हमारा भी वही उद्देश्य है, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना। तो बड़ी माँ एक ही बात जानती थी, लव फॉर द लव, लव फॉर इज वर्ड, लव फॉर इज डिजायर, लव फॉर इज नीड्स एंड डीड्स। आफ्टर दैट यू क्रिएट बैलेंस इन योर पर्सनैलिटी एंड देन लव विल बी इंस्टॉल्ड। इतना होने के बाद ही आपके अंदर प्रेम का प्रतिस्थापन होगा, जो बड़ी माँ बखूबी जानती थी। बड़ी माँ इसलिए यही जानती थी, इसीलिए वो ये काम करती थी, ठाकुर जी की वाणी को चरितार्थ करती थी। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ाए शोभा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश की ओर चलती हूँ। वहां से हमारी कविता शर्मा माँ हमको एक भजन प्रस्तुत करके सुनाएंगी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। अभी जो शुभ विवाह का जो वर्षगांठ चल रहा है। जय गुरु। सभी ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए दादा और माँ को मेरा भक्तिपूर्ण जय गुरु। मैं एक माँ का हिंदी भजन गाने जय माता भवानी माँ, मैं आई तेरे द्वारे माँ। जय जगत जननी माँ, मैं आई तेरे द्वारे माँ। जय परमा भवानी माँ, मैं आई तेरे द्वारे।
जय माता।